लेकिन सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां अभी 7वें चरण में अंतिम चरण का मतदान होना है और लगभग हर चरण में हुई हिंसक घटनाओं के बाद एक अहम फैसला लिया गया है, जहां अब सेंट्रल फोर्स की 710 कंपनियों को तैनात किया गया है। इससे पहले भी ये आदेश दिया गया था कि जहां जहां बूथ है उसके भीतर की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बल के हवाले की जाएगी, लेकिन अब उससे एक कदम आगे 710 कंपनियों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल में होनी है। चुनाव आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है। इस आखिरी चरण में 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर कोलकाता में। 7वें चरण की मतदान 19 मई यानी कल होना है और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में जो बीते फेजों में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसे देखते हुए कमर कस लिया है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं उत्तर कोलकाता से। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। कुछ इसी तरीके का आलम 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ कल चुनाव होने हैं, 19 मई को चुनाव होने हैं, आखिरी चरण के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ कुछ इसी तरीके का आलम दिख रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक जितनी भी 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बूथ हैं उन सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा 512 QRT की टीम पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात होगी। जिस तरीके से बीते फेजों में हमने देखा कि जो हिंसा की खबरें आई, झड़प की खबरें आई, बमबाजी की खबरें आई, उससे रोकने के लिए चुनाव सही तरीके से पश्चिम बंगाल में हो, हिंसा ना हो, उसे रोकने के लिए 512 QRT की टीमों को चुनाव आयोग ने तैयार किया हुआ है और इस QRT की टीमों को सीनियर अधिकारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो लीड करेंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस की 710 कंपनियों को जो आखिरी चरण का मतदान है उसे सुचारू रूप से सही तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने यहाँ नियुक्त किया है। ये जो 710 कंपनियां हैं, ये कंपनियां जो हैं वो जितनी भी बूथ होंगी जहां चुनाव होंगे वहां ये सब तैनात होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। और अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, अब कुछ और एहतियाती कदम इलेक्शन कमीशन ने उठा लिए हैं, कुछ और टुकड़ियां यहाँ पर तैनात होगी, 512 क्विक रिस्पांस टीम भी यहां पर मौजूद है, लेकिन सबसे खास बात यह कि हर चरण में यहां पर हिंसक घटनाओं की खबरें आई है। चुनाव प्रचार जो नियम है उससे एक दिन पहले थम गया था, लेकिन इसके अलावा भी किस तरह की और पुख्ता इंतजाम की कम से कम आखिरी चरण में तो इस तरह की खबरें ना आए? जी बिल्कुल, अंतिम चरण यानी 7वें चरण में पश्चिम बंगाल से इस तरह की खबरें ना आए। 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होने हैं कल और इसके लिए जो क्विक QRT टीम है वो 512 QRT टीमों को तैनात कर दिया है और एक थाने के अंदर, एक थाने के जुरिसडिक्शन में 2 QRT टीम होंगी और इन QRT टीम को जो लीड करेंगे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर अधिकारी होंगे असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पर वो इन्हें लीड करेंगे, ताकि कहीं से भी अगर जैसे ही खबर आती है, कहीं से पत्थरबाजी, बमबाजी या किसी भी कोई भी झड़प या हिंसा की खबर आती है, वहाँ QRT टीम तुरंत रवाना किया जाएगा। चुनाव आयोग वो हर एक एहतियात बरत रहा है, जिससे कि जो तकरीबन 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 1.5 करोड़ वोटर अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे और इन वोटरों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, के लिए चुनाव आयोग हर एहतियात बरत रहा है कि ये वोटर अपने घरों से बाहर निकले, वोट डाले और सुचारू तरीके से इस बार अंतिम चरण में किसी भी तरीके से कोई हिंसा की खबर यहां से देखने को ना मिले। जिस तरीके से हमने बीते सभी फेजों में, 1 से 6 फेजों में जो हमने पश्चिम बंगाल में देखा था, लगभग हर फेज में हर जगह से हिंसा की खबरें आई थी और इस बार 7वें चरण में इस तरीके की खबरें ना आए, इसके लिए चुनाव आयोग हर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा बताएं कि जो चुनाव प्रचार थम चुका है और जो समय था उससे एक दिन पहले चुनाव प्रचार जो है पश्चिम बंगाल में थम गया था। इसके बाद जो यहाँ की सत्ता में जो पार्टी है TMC, उसने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरोप लगाया था, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, तो हर कोई चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग वो हर एहतियात बरत रहा है, जिससे कि सुचारू तरीके से सही तरीके से चुनाव हो पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में और कहीं से भी हिंसा की खबरें ना हो। जी शुक्रिया अमित।